नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फैटी लीवर और लीवर में सूजन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब लोग आप जानते ही हैं कि आजकल जो है फैटी लीवर की समस्या बहुत लोगों में बढ़ती जा रही है। बहुत लोग जो है परेशान है, उनके लीवर में सूजन भी आ गई है और बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। तो दोस्तों, हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारे फैटी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए और साथ में हमारे लीवर में जो सूजन आ गई है वो भी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताने वाला हूँ, बहुत ही पेटेंट और जेन्युइन मेडिसिन बताने वाला हूँ जिससे आपकी फैटी लीवर की जो समस्या है, फैटी लीवर की जो आपकी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से ये समस्या होती है, किन कारणों की वजह से हमारा फैटी लीवर होता है, लीवर में सूजन आ जाती है, और हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारी ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। इस वीडियो में आपको काफी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो फैटी लीवर की समस्या है, जिन लोगों को लीवर में सूजन आ जाती है, आखिर ये किन कारणों की वजह से आती है, क्या ऐसा वो लोग करते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का लीवर में सूजन आती है और फैटी लीवर रहता है, वो उनका सबसे बड़ी उनकी समस्या है कि उनका खान पान, वो लोग खान पान उनका बहुत गलत होता है और वो अपनी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखते हैं, इस वजह से उनको समस्याएं आती है। जैसे कि ज्यादातर लोग, आपने आजकल देखा ही होगा, फास्ट फूड बहुत खाते हैं। जो लोग बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं और देर रात तक खाना खाते हैं, और जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों में जो है फैटी लीवर की समस्या ज्यादा देखी गई है। दोस्तों, जो भी लोग रात को देर से खाना खाते हैं और बाहर का ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, मोमोज वगैरह खाते हैं, और जो लोग शराब का और सिगरेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ये ज्यादा समस्या होती है। उनका लीवर जो है खराब होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं और उनके लीवर में छाले भी पड़ जाते हैं, उसी को फैटी लीवर भी कहते हैं और लीवर में सूजन की समस्या भी उसी को कहते हैं। तो दोस्तों, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। दोस्तों, मेडिसिन तो जरूर मैं आपको बताऊंगा, मेडिसिन तो लेने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन आप सबसे पहले तो अपना खान पान ठीक करें। अपने खान पान में हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, साथ ही साथ जो है शराब का सेवन बंद कर दें, सिगरेट अगर पीते हैं तो स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो वो भी बंद कर दें, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। ये सब आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए दो मेडिसिन आती हैं जो बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं जिनसे आपके फैटी लीवर और लीवर में अगर आपको सूजन है तो वो इससे ठीक हो जाएगी। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है यूडीलिव। दोस्तों, यूडीलिव टैबलेट 300 mg में आती है और ये एबॉट कंपनी बनाती है, और ये एक पत्ते के अंदर 15 टैबलेट आती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इस एक पत्ते के टैबलेट का प्राइस होता है 740 रुपए। दोस्तों, ये दवाई आपको लेनी है, और इसके साथ दूसरी दवाई का नाम भी बता देता हूं मैं आपको। दूसरी दवाई का नाम है Li-52DS। ये हिमालय कंपनी बनाती है और ये 100 ml की पैकिंग में आती है, और इस 100 ml की पैकिंग का प्राइस जो है 165 रुपए है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर से ले आइए, उसके बाद आपको इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने लीवर का चेकअप कराएं और एक बार अपना टेस्ट जरूर कराएं, उसके बाद ही आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, यूडीलिव टैबलेट है, आपको कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एक गोली खानी है सुबह शाम पानी के साथ, और जो Li-52DS टैबलेट है उसमें से आपको 2-2 चम्मच लेनी है सुबह शाम पानी के साथ। इन दोनों दवाइयों का आप कंटिन्यू इस्तेमाल करें,
आप रेगुलर इसको 1 से 1.5 महीने तक इन दोनों दवाइयों को ले तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका पेट का डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, आपकी लीवर की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी और आपका जो फैटी लीवर है और लीवर में सूजन है वो भी इससे आपकी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया हूँ, अगर आपको फैटी लीवर है या फिर आपके लीवर में सूजन है तो इनके लक्षण क्या है, क्या लक्षण देखे जाते हैं जिनसे आपको पता चले कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है या लीवर में खराबी है। दोस्तों अगर आपके पैरों में सूजन आ गई है, आपके आंखों में अगर पीलापन आ गया है, आपका हाजमा ठीक नहीं रहता है, शरीर बिल्कुल जो है बेजान सा रहता है, भूख लगनी कम हो गई है, तो आप समझ जाइए ये कुछ लक्षण हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके लीवर में खराबी है, लीवर में आपके जो है सूजन आ गई है। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है और लीवर में सूजन की प्रॉब्लम होती है। अब मैं बात कर देता हूं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये दवाइयों के वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आप बेफिक्र होकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको दोनों मेडिसिन किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, हर जगह ये अवेलेबल होती है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आपने काफी कुछ आपको जानकारी मिली होगी। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम आपको हो तभी आप इस दवाई का इस्तेमाल करें। मैं आपको जो ये वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए जितनी भी वीडियोस लाता हूँ, ये आपको मेडिकल से रिलेटेड आपको जानकारी रहे, आपको नॉलेज रहे कौन सी दवाई किस चीज के लिए होती है, इसी मकसद से मैं आपको ये वीडियो बना के आपके पास भेजता हूँ। दोस्तों जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो लोग देखेंगे, उनको तो जानकारी मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा ही, और जो लोगों को प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी मेरी वीडियो को देख के उनको जानकारियां मिलेंगी दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों जो काफी लोग मेरे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे जानते हैं क्योंकि बराबर मुझे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर इस दवाई के बारे में जानकारी दें, इस दवाई के बारे में बताइए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सिर्फ अपनी एक नॉलेज के पर्पस से, अपनी जानकारी लेने के लिए वो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो से भी आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों फिर भी आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड जो दोनों दवाइयां मैंने आपको बताई है इनसे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।